everyone, I, Lakshmi Mittal, your teacher, as well as a friend. This is going to teach you chapter 10 numbers, chapter 1, class 10. This is your second class of this chapter, and today I will tell you about the fundamental theorem of arithmetic. Aaj ye theorem hum padhenge aur iske hum exercise 1.2 ke questions karenge. So, fundamental theorem of arithmetic kehte kya hai? To usko hum dekhte hain ki every composite number can be expressed. अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो बहुत सारे नंबर से मिलकर बने होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं. बहुत सारे नंबर कौन से होते? कोई भी नंबर हो सकता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर. इन सब नंबर से जो मिलकर बने होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं. और प्राइम नंबर से जो मिलकर बने होते हैं, अगर प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर जो है, मतलब जो किससे डिवाइड हो सकते हैं, सिर्फ वन से और अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं. ठीक है, उनका आंसर भी फिर वो खुद या फिर वो नहीं आएगा. इतनी इजी बात है. तो हर कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस किया जा सकता है, या कह सकते हैं कि फैक्टराइज किया जा सकता है उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से. प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा आपने 6th-7th क्लास में. ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होती है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स. उसको छोड़ के कि किस ऑर्डर में वो है, ये यूनिक है. और अब हम इसके कुछ क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करें. एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स. हमें हर नंबर को, वैसे जो हम बात कर रहे हैं उसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, मतलब उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. प्लीज बात है, ठीक है. तो ये नंबर है 156. सो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा? एक तो होता है ट्री मेथड. ट्री मेथड को हम कैसे करते हैं मैं वो आपको बता देती हूँ इसकी हेल्प से. और वैसे नॉर्मल मेथड भी बता देती हूँ, जो मतलब ट्री वाला नहीं होता, दूसरा. तो हम दोनों मेथड से इसको, इस वाले को करते हैं, बाकी क्वेश्चन एक और पार्ट करेंगे उसको हम नॉर्मली, जिससे आप चैनल से कर सकते हैं. मैं आपको इस पार्ट के दोनों मेथड दिखा दूँ, ठीक है. बात बिल्कुल सेम है, बस उसमें ये दे देते कि ट्री मेथड कर दो, उसे करके दिखाओ बस. तो फिर उसमें आपको करके दिखाना पड़ेगा, उसके नंबर मिल जाएंगे, अच्छे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि बच्चों को जानकारी है या नहीं है इस चीज़ की. बात है कि हम तो क्या कर रहे हैं, बस
इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा। चलो हमारा ट्री मेथड हो गया है, अब हम करते हैं अपना नॉर्मल प्राइम रिप्रेजेंटेशन मेथड। दादाजी मम्मी फिर हम है ना मम्मी पापा फिर हम तो ऐसे ये तो वही कि पहले दादाजी फिर उनके बेटे फिर उनकी वाइफ फिर उनके बेटे फिर उनकी वाइफ फिर उनके बेटे फिर बस सिंपल बात है कुछ नहीं है ठीक है। तो अब ये आ गया, बस हमें ये इतना दिखाना था कि 156 ये लिखना बहुत जरूरी समय लिख रही हूँ इसी को 2 × 2 × 3 × 2 × 30। अब दो नंबर हो ना, अगर आपको और अच्छे मार्क्स लेने हैं या और अच्छा आपको करके दिखाना है तो आप इसे ले लेना है। अब 2 × 2 है तो 2 भी इसमें लिख सकते हैं और 3 × 1 × 13 × 1 कुछ नहीं है इसमें, कुछ है क्या भाई? कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगा कर सोचना है, सोचना भी नहीं है इसमें तो बस कंसेप्ट आना चाहिए, मैंने आपको बता ही दिया है। अब तो आप 100% लेंगे सब बच्चों में रिकॉर्ड अब एक और पार्ट ले लिया, अब इसको भी जल्दी से कर देते हैं। मैं सिंपल मैथड से कर रही हूँ, ये वो भी सिंपल ही है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं, पीछे का नंबर से देख लेते हैं ना कितने लेना है, मुझे इतना तो सभी को पता ही क्या होता है ठीक है। तो हम यहाँ पे 35 चला जाएगा 7 पे, 32 36 मैं तो ऐसे कर रही हूँ, पर आप देखना ना अगर आपसे ऐसे सही आता हो आंसर तो करना वरना हम डिवाइड होकर के देखना, वैसे आपको ऐसा आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक को सॉल्व कर सकें। स्मॉलेस्ट नंबर लेना चाहिए, मैं ले गया नहीं कि बड़ा नंबर ले लूँ ठीक है। आपको बहुत टाइम वेस्ट जाएगा ठीक है, मैं सीधा आपको सिर्फ कंसेप्ट बनाना है हमें और क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, तो क्वेश्चंस में ही आंसर होता है सच में। ओके सो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम क्या है इसमें, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ठीक है। अभी हमें दो नंबर दिए हैं, हम ले लेते हैं पार्ट नंबर 1 ले लेते हैं, चलो इसको
हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा, प्राण मैटर दर्शन निकाले, तो अब उसको ही हमें अप्लाई करना है। देखो 26 का 90 के अनुसार हम इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आप पूछोगे यार एलसीएम और एचसीएम किसमें करते हैं, ये आपको कौन सा क्लास का, फोर्थ क्लास का। तो कोई बात नहीं, डरने की क्या बात है, कोई बात नहीं, हमने तब अच्छे से लिया, अब हम अच्छे से कराएंगे। अब ये क्वेश्चन हम करेंगे करेंगे इसके साथ हम एलसीएम और एचसीएम भी सीखेंगे। तो ये तो हमारा क्या आया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऊपर हमें लिखना है रूल है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ पहले एचसीएफ दे दो, एचसीएफ तो मीनिंग पता है हाईएस्ट, एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन, कॉमन देखो ना कॉमन, इससे आपको समझ आए कॉमन क्या है, टू कॉमन है, टू कॉमन नहीं है, थर्टीन कॉमन है, भाई है
हो गया हमारा फंक्शन। कुछ था इसमें नहीं था बस। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन फिर सेम है, कर लोगे? चलो इसमें 3 डिजिट्स हम करके दिखा देते हैं। आपका जो मतलब दिखने का स्टाइल है, आप कैसे हो पहने, वो आपका मतलब दिखेगा कि हाँ बच्चे ने
मैं भी टीचर एज ए टीचर मैं भी ऐसे ही मतलब इसको ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स को मुझे भी मैं भी ऐसे लिखती थी अपने एग्जाम्स में इसलिए मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे और अगर आपको दिख रहा हो तो ओके तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया एंड नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 5 पावर n कैन n विद डिजिट 0 फॉर n नेचुरल नंबर n ए पॉसिबल है अगर किसी 6 है 6 की पावर n तो क्या उसकी जो मतलब पावर है वो 0 पे एंड होगी नहीं ये मैंने आपको बता दिया है कि वो n नहीं होगी क्योंकि 0 पे नंबर तभी एंड होता है जब वो 5 से डिविजिबल या वो मल्टीपल ऑफ 5 का तो दिस क्वेश्चन कांट बी मतलब इसका आंसर होगा नो इट कांट मैंने क्या कहा था आपको कंपोजिट नंबर आर दोस नंबर्स जो रियल नंबर्स मतलब होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा नंबर्स से मिलते हैं बने चाहे वो मिनट उसके बीच में कोई भी साइन हो सकता है चाहे वो प्लस का साइन हो मल्टीप्लाई का साइन हो डिवाइड का साइन हो कॉमा माइनस का साइन हो या कोई भी साइन ठीक है इसी के मतलब जैसे कि हमने देखा कि
जैसे ले लिया टू इंटू 100 या वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। कुछ नहीं करना, हम लिख देंगे पहले।
उसको 18 मिनट लग रहे हैं कवर करने में, यहाँ पर पहुंच गया उसको 12 मिनट लग रहे हैं, वो यहाँ पर 18 मिनट यहाँ पे होगा ना, जब वो वाला वहाँ पर जब आगे होगा तो उनको टाइम का हम ऐसे निकालेंगे जिससे कि वो दोनों एक जगह मिले, अगर एल सी एम निकालेंगे तो वो एक जगह नहीं मिले क्योंकि एल सी एम निकालेंगे इसलिए। Love you all.